सागर लोकायुक्त की टीम ने रोजगार सहायक को 7000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। ग्राम पंचायत पहाड़ी बुजुर्ग में पदस्थ रोजगार सहायक संतोष कुशवाहा प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त निकलवाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत फरियादी रविंद्र अहिरवार ने सागर लोकायुक्त से की। लोकायुक्त ने सरकारी योजना को लेकर हुई शिकायत की गंभीरता को लेते हुए रोजगार सहायक संतोष कुशवाहा को 7000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त निकलवाने के बदले घूस ले रहा था। लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हितग्राही और रोजगार सहायक के बीच फोन पर हुई बातचीत को टेप किया गया, इसके बाद रिश्वत की राशि देना तय हुआ। आज सुबह करीब 11 बजे हितग्राही संतोष कुशवाहा रिश्वत के 7000 रुपए लेकर रोजगार सहायक संतोष कुशवाहा के पहाड़ी बुजुर्ग गाँव स्थित मकान पर पहुंचा, जहां पर हितग्राही ने जैसे ही रिश्वत की राशि रोजगार सहायक संतोष को दी तो उसने तुरंत पैसे अपनी जेब में रखे। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को रंगे हाथों रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। आवेदक रविंद्र अहिरवार द्वारा एक शिकायत हुई थी दिनांक 16 तारीख को 16/9/2022 को उनके आवास की किस्त निकालने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसको तस्दीक किया गया। सही पाए जाने पर आज हमने एक आयोजन किया है। एक की कार्रवाई में रोजगार सहायक संतोष कुशवाहा को 7000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके आवास पर पकड़ाया। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाए। कितने की मांग की गई थी सर? आवेदन में 8-10 हज़ार रुपये की मांग की गई थी, तो तस्दीक करने पर 7000 रुपये लेने की शामिल थी। आज को कार्रवाई की गई और ऊर्जा सहायक संतोष कुशवाहा को 7000 रुपये की। थैंक यू।